नारायण नारायण, आज का विषय है पहले श्रद्धा, बाद में कृति, फिर अनुभव। जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है उसे कभी अड़चन नहीं होती। राजा की रानी को यह चिंता नहीं होती कि दोपहर खाने को कैसे मिलेगा। वैसे ही जो दृढ़ता से मानता है कि मुझे अपने गुरु का आधार है, उसे क्या अड़चन हो सकती है। लंबी कूद कूदने के पहले चार कदम पीछे जाना पड़ता है। पारस से सोना बनने के लिए चांदी को लोहा बनना पड़ता है। वैसे ही गुरु का आधार लेना हमें अधोगति लगती है। वस्तुतः वह अधोगति नहीं होती, बल्कि वह भविष्य में होने वाले महत् कार्य की पूर्व तैयारी ही होती है। बाप लड़के को हाथ का आधार देकर तैरना सिखाते हुए बीच बीच में हाथ खींच लेता है, लेकिन लड़के को विश्वास होता है कि पिताजी मुझे डूबने नहीं देंगे। वैसे ही हमें पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमें सद्गुरु का आधार है। हम बीमार होते हैं तो हम ही पैसे देकर डॉक्टर पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और दवा की कोई जानकारी न होते हुए भी हम दवा लेते हैं। व्यवहार में जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा यह कहना ठीक नहीं है कि श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नाम स्मरण नहीं करेंगे। हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं इसीलिए कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। वैसे ही यदि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो तो हम उसका नाम लिए बिना नहीं रहेंगे। पहले श्रद्धा, फिर कृति और बाद में कृति के फल का अनुभव, ऐसा व्यवहार का नियम है। परमार्थ में भी हम इसी मार्ग पर चलें। व्यवहार में तुम एक दूसरे पर जितनी निष्ठा रखते हो उतनी भी यदि भगवान पर रखो तो भगवान तुम्हें अवश्य समाधान देंगे। हम रेलगाड़ी में ड्राइवर पर विश्वास करके मजे से सोते हैं, वैसे ही भगवान पर श्रद्धा रखकर बिना चिंता किए मजे में रहें। ड्राइवर की अपेक्षा भगवान निश्चित ही श्रेष्ठ हैं। परमार्थ में अंधश्रद्धा की तनिक भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें श्रद्धा के बिना भी बिल्कुल नहीं चलता। वक्ता कैसा भी हो, फिर भी सुनने वाले में यदि सच्ची श्रद्धा होगी तो इस श्रद्धा के कारण ही उसमें पात्रता उत्पन्न होगी। संतों की बातों पर हम पूर्ण श्रद्धा रखें, और सच तो यह है कि जिसे ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह जल्दी सुखी हो जाता है। वैसे ऐसी श्रद्धा हो यह बड़े भाग्य की बात है। आज हम में वह नहीं है तो हम कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहें। पहले खूब तर्क वितर्क करके अपना ध्येय निश्चित करें, किंतु एक बार जब ध्येय निश्चित हो जाए तो फिर निश्चय पूर्वक और श्रद्धा के साथ उसके साधन में रहें। हम परमात्मा से मांगें कि हे भगवान, तुम मुझे चाहे जिस परिस्थिति में रखो, लेकिन मुझे जो संतोष है उसका भंग न होने दो। मुझ में जो मैं अहम का भाव है उसे मिटा दे, तुम्हारा विस्मरण ना होने दे, ऐसी भी इच्छा ना होने दे कि मैं तुमसे कुछ मांगूं। नाम स्मरण करने में रुचि हो और तुम्हारी चरण में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। नारायण नारायण।